ये देखिए मेरे सामने ये टूरिस्ट ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आके फंसते हैं, तो आज की वीडियो में डिटेल करूँगा आपको क्या आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक का जो नया फाइन्स है इसके रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था, आप लोगों ने मेरे ख्याल से देखा रहेगा। वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे अभी कमेंट करने लगे हैं, थोड़ा डिटेल करो करके। ज़्यादा करके जो मुझे मैसेज आ रहा है ये है, जो ब्रिज का आप बात करते हो, कौन से ब्रिज से हम बाइक लेके नहीं जा सकते, अगर वहाँ से बाइक लेके नहीं जा सकते तो हम कलंगूट या फिर बागा के लिए जाए कैसे, नॉर्थ गोवा के लिए जाए कैसे। तो ये वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हम जाएंगे पेंजिम सिटी, पेंजिम सिटी में मुझे कुछ काम है, शॉपिंग करना है नेक्स्ट ट्रिप के लिए, तो पेंजिम सिटी भी आपको एक्सप्लोर कराऊंगा और उसके साथ अभी का जो ट्रैफिक रूल्स है ये भी बताने वाला हूँ। यस, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। आप अगर कोई भी व्हीकल रेंट करते हो, कार या बाइक रेंट करते हो, तो आपका लाइसेंस और लाइसेंस होल्डर को ड्राइव करना है या फिर राइड करना है, ठीक है। और आप अगर अपना पर्सनल बाइक लेके आते हो, कार लेके आते हो, तो गाड़ी का पूरा डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, जैसे कि RC बुक, PUC हो गया, इंश्योरेंस हो गया और आपका लाइसेंस। पे PUC कराना है, 2 और 3 व्हीलर का 83 रुपीज़ है। यस, तो फाइनली हमारा PUC हाथ में आ गया है, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपको इसके लिए जो फाइन है 2000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी मैं बात कर रहा था रूल्स के बारे में। रूल्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ये डॉक्यूमेंट तो आपके पास होना चाहिए और कंपलसरी आपको रास्ते में हेलमेट डालना है, ट्रिपल सीट नहीं करना है और स्पीड लिमिट आपको ध्यान रखना है। स्पीड लिमिट से याद आया, आगे अपने को एक ब्रिज मिलेगा जो अपने वीडियो का टाइटल है आज, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आके फंसते हैं, तो आज की वीडियो में डिटेल करूँगा आपको क्या आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये देखिए मेरे सामने ये टूरिस्ट ऐसे ही कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो इनके वजह से मुझे भी रुकना पड़ा। एक सेकेंड, तो ये ट्रैफिक का जो यहाँ पे साइन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये ब्रिज जो है अटल सेतु है, यहाँ पे आपको पैदल, टेम्पो, 2 व्हीलर या फिर ऐसे आपको अलाउड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ टूरिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे बाइक भी लेके आते हैं, पर ऐसे में क्या होता है, ये साइड में पुलिस रहता है, ये यहाँ पे सामने पुलिस रहता है, आपको पकड़ा तो उसके लिए आपको फाइन पे करना पड़ेगा। छोटा सा बोर्ड है, पर ध्यान रखना है ये जो अटल सेतु ब्रिज है इसमें बाइक अलाउड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का इन दिनों कन्फ्यूजन है, अगर अटल सेतु ब्रिज से हम बाइक लेके नहीं जाएंगे तो कैसे क्रॉस करेंगे, तो आपके लिए रास्ता है, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो पहले ट्रैवल कर चुके हैं उनको पता है, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इनके लिए है। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहा था तो सोचा आपको एक बार दिखाई दूँ। ये तो आप देख सकते हो रास्ते रास्ते में अभी CCTV कैमरा इंस्टॉल हो गया है, ये आगे देख रहे हो ऊपर है CCTV कैमरा। ऐसे हर जगह तो नहीं है, पर मैक्सिमम सिग्नल पे अभी CCTV लगाया गया है, आपको अगर दिख रहा होगा। तो CCTV इसलिए है, आप अगर स्पीड लिमिट हो या फिर कोई भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हो तो डायरेक्ट आपके जो नंबर है, गाड़ी का नंबर, ये कैप्चर हो जाता है CCTV में और आपको चालान जो है, फाइन का चालान आपको एड्रेस पे डायरेक्ट चला जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्पीड लिमिट वगैरह ट्रैफिक रूल्स को पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान रख के अभी गोवा में गाड़ी चलाना है। और अभी ब्रिज के ऊपर जो एक इशू होता है, ओवरटेकिंग और स्पीड लिमिट, ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए राइट साइड में ऐसे बोर्ड मिलेगा, ब्रिज का जो स्पीड लिमिट है दोस्तों 30 है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट राइट में आप देख रहे हो 30 है। और ओवरटेकिंग का भी बोर्ड यहाँ पे, नोटिस बोर्ड आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, आप देख सकते हो ओवरटेक नहीं है। और ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है ये अटल सेतु है, ऊपर जो दिख रहा है इसमें जो मैंने आपको बताया बाइक अलाउड नहीं है, बाइक से गलती से भी मत चले जाना कोई एंड में, कोई सा भी ये एंड पे, नहीं तो दूसरे एंड पे आपको पुलिस मिलेगा और आपको फाइन पे करना पड़ेगा। ये अपना पेंजिम का मेन बस स्टैंड है, जहाँ से सारे प्लेस से, मारगांव, वास्को, एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से सारे बस यहाँ तक आपको मिलेगा। ये जो लेन है ये पाटो एरिया है, ये गली आपको दिख रहा है, ये सारे
रेंटल ऑफिस आपको मिलेगा। ये जो बाइक आपको देख रहा है ना, ये सारे बाइक रेंटल रिलेटेड है। येलो नंबर प्लेट आप देख रहे हो सारे, ये सारे आप रेंट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, दोनों साइड आप देख रहे हो सारे रेंटल ऑफिस है। तो बस स्टैंड से बिल्कुल 100 मीटर आप चल के आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेफ्ट में राइट में सारे ऑफिस है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे टूरिस्ट आप देख सकते हो, बस स्टैंड में बस से उतरने के बाद यहाँ पे रुके हैं टैक्सी के लिए या फिर रेंटल के लिए। बार्गेनिंग करना है जहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा आप वहाँ से रेंट करें और अपना होटल तक भी जा सकते हो। ये उन लोगों के लिए बेस्ट होगा जो बस से ट्रैवल करते हैं, मारगांव रेलवे स्टेशन से पंजीम आ गए बस से, या फिर एयरपोर्ट से भी आप अगर बस से आते हो तो यहाँ से रेंट करके भी आप घूम सकते हो पूरा। और डे एंड पे आप यहाँ पे सबमिट करें, फिर यहाँ से आप डायरेक्ट बस लेके फिर से आप रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट तक निकल सकते हो। यस, तो फाइनली बात कर करके हम पहुँच गए पंजीम सिटी में। ये MG रोड है, यहाँ पे सारे ब्रांड का आपको शोरूम मिलेगा। अगर आपको ब्रांड के शॉपिंग पसंद है, बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि पूमा, लिवाइस, W, US पोलो, इधर जैक एंड जोन्स, बड़े बड़े ब्रांड के सारे शोरूम यहाँ पे है, ये लेन पे आपको मिलेगा। यहाँ से आके आप शॉपिंग कर सकते हो। ये है पंजीम चर्च, मेन चर्च का नज़ारा है। ये देखिए सामने है वो कॉर्नर पे देख सकते हो, कितना ज़्यादा टूरिस्ट अभी फ़ोटोशूट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूप है, कुछ टूरिस्ट तो छतरी लेके भी आए हैं। धूप में घूम घूम के फाइनली हम पहुंचे हैं पंजीम म्युनिसिपैलिटी मार्केट। ये देखिए बिल्डिंग, यहाँ पे भी जाना है, आज मैं आपको मार्केट घुमाता हूँ। अभी फाइनली मैं पंजीम का जो मेन मार्केट एरिया में पहुँचा हूँ। मार्केट में जाना है, कुछ लेना है अगले ट्रिप के लिए, थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है। का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको फ्रूट्स और भाजी वगैरह यहाँ पे मिलेगा, सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे आपको मिलता है। और मुझे ऊपर जाना है, ऊपर मुझे कुछ सामान चाहिए जो कि लगेज टेक करने के लिए कुछ सामान लेना है, वो लेते हैं। और नीचे आपको कपड़े का सेक्शन भी दिखाता हूँ, सस्ते में मिलता है। यहाँ मेन मार्केट है, बहुत बड़ा म्युनिसिपैलिटी मार्केट है पंजीम सिटी का। शॉप ढूंढ रहा हूँ मैं, मेरा जो सामान मिलने वाला शॉप कहाँ पे है इसको ढूंढ रहा हूँ। पहले शॉप ढूंढते हैं, सामान लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे। मैं दोनापल के लिए निकल रहा हूँ, पर इससे पहले लॉक है आपके पास छोटा? हाँ है, ये यहाँ पे रख सकता हूँ। ओके, छोटा दो लॉक चाहिए, प्रेसिंग वाला। हाँ प्रेसिंग वाला, लगेज लॉक करने के लिए यहाँ पे हमको लॉक चाहिए। ये ले रहा हूँ क्योंकि अगले ट्रिप के लिए सारे तैयारी चल रहा है। ओके, लेगा और एक, कितना है इसका? ये 60 रुपीज़ देंगे, बाकी सादा वाला 40 है। नहीं वो नहीं चाहिए, ये अच्छा है, ये लाइट भी होता है। तो हो गया हमारा शॉपिंग छोटा सा, बाकी का करेंगे, इनको पे करते हैं। तो 120 हो रहा है, 100 रुपये देता हूँ। यस, तो फाइनली शॉपिंग हो गया, जो छोटा मोटा शॉपिंग था ये हो गया। अभी निकल गए, आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए मार्केट एरिया में ये एक प्लेस है ना, बहुत फेमस है। ये वाला जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे IFFI ऑर्गेनाइज होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और ये प्लेस बहुत फेमस, गोलमाल मूवी आप अगर देखा रहेगा तो वो मूवी में आधा सीन ये एरिया और ये जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाया उधर ही ज़्यादा करके सीन शूट हुआ है। तो बहुत फेमस है पर इतना ज़्यादा टूरिस्ट नोटिस नहीं करते ये प्लेस को। और ये लेन जो है कंपल का जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे मूवीज़ ये एरिया में शूट होता है। यस, तो फाइनली पहुंच गए, मैं थोड़ा ऑफिस में आया हूँ।
तो थोड़ा काम है ये निपटाते हैं और इसके बाद घर जाऊंगा। तो ये था पेंजिम सिटी, आपको घुमाया अभी का स्टेटस और उसके साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। तो ये वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, सेफ रहे, बाय बाय।